धार जिले के पीथमपुर शहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर अध्यक्ष पिंटू जायसवाल के नेतृत्व में आज थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। वह मांग की है कि पिछले दिनों प्रदेश के मुखिया का जो वीडियो वायरल हुआ है उसकी जांच करवाई जाए, जिससे प्रदेश के लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार को केंद्र के कहने पर गिराकर प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया है और लोकतंत्र की हत्या की है। ये प्रदेश सरकार पर जनता का विश्वास नहीं है। राज्यपाल महोदय से मांग की गई है कि जल्द से जल्द इस सरकार को बर्खास्त किया जाए और दोषियों पर कार्यवाही की जानी चाहिए। पीथमपुर से संजय सोनकरा की रिपोर्ट। आज जो ज्ञापन दिया गया है, माननीय राज्यपाल महोदय के नाम से ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में जिस प्रकार से अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इंदौर आगमन पर सांवेर के कार्यकर्ताओं के बीच बैठक में उन्होंने कहा है, जो ऑडियो वायरल हुआ है, कि किस प्रकार से उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व के कहने पर मध्य प्रदेश में चल रही कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया, पूरा उस ऑडियो में विवरण है। हमने माननीय राज्यपाल महोदय से निवेदन किया है कि आप इसकी उचित जाँच करवाएं, फॉरेंसिक जांच करा के, और ये दोष सिद्ध होता है क्योंकि ये पूरी तरह मतदाताओं के मत का अपमान है, जिन्होंने एक चुनी हुई सरकार को किन हथकंडों से गिराया है। और यदि अगर ऐसे ही चला तो मतदाताओं के जो मत का मूल्य वो किसी कीमत पर इस मतलब लोकतंत्र में बचेगा नहीं। उन्हीं चीज़ों को लेकर हमने माननीय राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन दिया है। आपका नाम? पिंटू जायसवाल, अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी पीथमपुर। ज्ञापन दिया क्या पूरा मामला? इसमें कुछ लोग आए थे जिसमें कि अपने पार्टी को लेकर उन्होंने शासन के नाम से ज्ञापन दिया है, इसमें राजनीतिक दलों के कुछ बातें कही नहीं है। उनका ज्ञापन लेके सरकार की ओर भेजा जाएगा आगे अधिकारियों के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।